तो दोस्तों, क्या आपने भी एक नया टैटू बनवाया था बहुत सालों पहले, बहुत दिनों पहले, और किसी रीज़न के वजह से आप अपने टैटू को वहाँ से रिमूव करवाना चाहते हो, और आप अपने टैटू को बहुत ज़्यादा, किसी आपका पर्सनल रीज़न भी होता है, हर एक लोगों का पर्सनल रीज़न होता है, या अपने किसी रीज़न के वजह से वो उनको टैटू नहीं पसंद आ रहा है, तो वो अपने टैटू को वहाँ से 100% रिमूव कराना चाहते हैं। लेकिन उनके मन में ये डाउट रहता है कि मैं अपने टैटू को कहाँ से रिमूव कराऊँ। चलो मानता हूँ कि किसी ना किसी वजह से तो वो टैटू की शॉप जहाँ से रिमूव होता है वो तो खोज लेते हैं, सर्च कर लेते हैं, लेकिन उन्हें यही नहीं पता होता है कि मैं कैसे, कौन सी सर्जरी का यूज़ करूँ तब मेरे टैटू को 100% रिमूव मेरे बॉडी पार्ट पर हो पाएगा। तो भाई सर, आज की वीडियो में हम आपसे ये बहुत अच्छी जानकारी आपको देने वाले हैं, बात करने वाले हैं, डाउट क्लियर करने वाले हैं कि अगर आप चाहते हो कि आपके बॉडी पार्ट के ऊपर से टैटू 100% रिमूव हो पाए और आपकी जो सी पहले ऐसी स्किन थी वो आपको मिल पाए, तो इस वीडियो को एंड तक देख लेना, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। एक आपकी प्रॉपर गाइडलाइंस मिल जाएगी कि मैं कौन सी ट्रीटमेंट का यूज़ करके, कौन सी सर्जरी का यूज़ करके अपने टैटू को अपने बॉडी पार्ट पर से रिमूव करा पाऊँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो को एंड तक देख लेना, बिकॉज दोस्तों आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट साबित होने वाला। मैं नहीं चाहता कि आप नादानी में कोई गलत स्टेप उठा लो जिसके मैं आपको बहुत बुरा खामियाजा भुगतना पड़े। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमेशा की जैसे आपके भाई की एक ही रिक्वेस्ट रहती है, पहली बार अपने इस भाई के चैनल पर आए हो, पहली बार अपने इस भाई को देख रहे हो, तो चैनल के नीचे जो रेड कलर का बटन दिख रहा है उसे प्रेस जरूर कर देना दोस्तों, बिकॉज आपका सपोर्ट हमें बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए प्रेस जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैं आपको वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यह क्लियर कर देना चाहता हूं कि टैटू को रिमूव करना इतना ज़्यादा हार्ड क्यों हो जाता है, इतना ज़्यादा मुश्किल क्यों है। तो जब भी आप टैटू बनवाते हो तो किसी रीज़न के वजह से हर बार तो इंक जो होती है टैटू की बहुत अच्छी होती है, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि टैटू की इंक नहीं अच्छी होती है, जिसके रिजल्ट में आपके टैटू पे इन्फेक्शन भी हो जाता है। लेकिन इस बारे में मैं बात नहीं करूंगा, टॉपिक पे आऊंगा दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि क्यों इतना ज़्यादा हार्ड हो जाता है टैटू को रिमूव करना। दोस्तों, जब भी आप टैटू बनवाते हो तो आपके जो टैटू आर्टिस्ट होते हैं तो उनकी जो नीडल होती है, टैटू की जो नीडल होती है, तो आपकी स्किन की टॉप लेयर में वो इंक को डिपॉजिट करते हैं। टॉप लेयर मतलब जो आपके ऊपर की जो फर्स्ट लेयर है, उसके नीचे जो सेकेंड लेयर आती है उसमें आपके टैटू इंक को डिपॉजिट किया जाता है। इसी रीज़न के वजह से आपके ऊपर की लेयर में टैटू ना होने की वजह से, आपके सेकेंड लेयर में होने की वजह से टैटू को इतना ज्यादा हार्ड हो जाता है रिमूव करने के लिए, जिसमें आपको अलग अलग तरह की सर्जरी का यूज करना पड़ता है। अब कौन सी सर्जरी का कब यूज करना, मैं आपको वीडियो में आगे बताने वाला। तो देखो दोस्तों, तीन तरह की सर्जरी से आप अपने टैटू को रिमूव करा पाते हो। फर्स्ट सर्जरी है लेजर ट्रीटमेंट सर्जरी, सेकेंड सर्जरी आती है सर्जिकल रिमूवल, और थर्ड सर्जरी है ओवर रैपिंग टैटू। अब तीनों के बारे में मैं आपको ध्यान से अच्छी तरह से डिटेल में बताने वाला, वीडियो लंबा होने वाला है, लेकिन मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को एंड तक देख लेना ताकि आपको प्रॉपर गाइडलाइंस मिल जाए, अच्छी तरह से तीनों सर्जरी के बारे में समझ जाओ, क्योंकि यही तीन सर्जरी है जिससे आपका टैटू रिमूव होता है। फर्स्ट सर्जरी के बारे में बात करेंगे, लेज़र ट्रीटमेंट सर्जरी। लेज़र ट्रीटमेंट सर्जरी वो होती है जिन लोगों को, मतलब किसी भी रीज़न की वजह से वो अपने टैटू को रिमूव कराना चाहते हैं, तो वो अपने टैटू को रिमूव कराने के लिए लेज़र ट्रीटमेंट का यूज़ करते हैं, जिससे उनकी जो टैटू की इंक होती है वो सेकेंड लेयर में होती है। तो जिस जहाँ भी बॉडी पार्ट पे टैटू बनवाया, तो जहाँ भी लेज़र लगती रहती है तो वो स्किन की इंक की जो टैटू इंक होती है वहाँ की स्किन की डेंसिटी कम कर देता, धीरे धीरे वो ब्लैक इंक को लेज़र उड़ाना स्टार्ट कर देता, जिससे एक या दो सेशंस में ही उनके टैटू को रिमूव कर दिया जाता है। अब दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर आपका जो कोई छोटा टैटू है, आपका बड़ा साइज का टैटू नहीं है, और हाँ आपने उसमें बहुत ज़्यादा मल्टी कलर का यूज़ नहीं किया गया है, अलग अलग तरह की इंक का यूज़ नहीं किया गया है, और हाँ अगर आप चाहते हो कि मेरा टैटू रिमूव हो जाए जेन्युइनली, तो आप लेज़र ट्रीटमेंट का यूज़ करें। ये होता है दोस्तों फर्स्ट नंबर की ट्रीटमेंट सर्जरी। अब आते हैं सेकेंड नंबर की सर्जरी, सर्जिकल रिमूवल टैटू। अब इस सर्जरी का लोग किस सिचुएशन में यूज़ करते हैं, देखिए दोस्तों, जब लोग किसी लोगों का टैटू इस तरह का होता है कि उन्होंने न्यूली टैटू बनाया है, नया टैटू बनवाया, लेकिन उनके टैटू की इंक खराब होने की वजह से उनके टैटू पे इन्फेक्शन हो जाता है, और वो इन्फेक्शन नहीं जाता है किसी भी तरह की, वो लेज़र ट्रीटमेंट से भी रिमूव नहीं करा सकते, लेकिन उनका भाग वो अगर लेज़र ट्रीटमेंट का यूज़ करेंगे तो लेज़र उनके स्किन को बर्न कर देती है और भी ज़्यादा उनका घाव बढ़ जाता है, इसलिए वो लेज़र ट्रीटमेंट का यूज़ नहीं कर सकते। अब वो चाहते हैं कि मैं अपने टैटू को रिमूव कराऊं, तो वो उस सिचुएशन में सर्जरी रिमूवल टैटू का यूज़ में लाते हैं। जिन लोगों के टैटू पे बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है, किसी हर एक तरह की दवाई करा के देख लेते हैं फिर भी उनके टैटू पे बेनिफिट नहीं मिलता है, तो वो अपने टैटू को सर्जरी रिमूवल ट्रीटमेंट से ही अपने टैटू को रिमूव कराते हैं। इस सिचुएशन में आपको क्या होता है, सर्जरी में क्या होता है, देखिए दोस्तों, जो भी आपके समझ लें, मैंने
इस हाथ पे टैटू बनवाया, तो इतनी तो जितने पार्ट पे टैटू बनाया उतने पार्ट की स्किन को निकाल लिया जाएगा काट के, एंड जो भी आपके स्किन में से दूसरे पार्ट पे जहाँ स्किन ज़्यादा है तो वहाँ से स्किन को लेके उस पार्ट पे दोबारा लगा दिया जाता है। इसलिए सर्जरी का यूज़ किया जाता है सर्जरी रिमूवल टैटू के लिए। जिन लोगों का बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होता है वो इस सर्जरी का यूज़ लाते हैं। अब दोस्तों आते हैं तीसरे नंबर के सर्जरी के ऊपर, ओवर रैपिंग टैटू। ओवर रैपिंग का टैटू मतलब ये नहीं है कि भाई अभी ये कौन यूज़ करता है, किस सिचुएशन में इस ट्रीटमेंट का यूज़ करना चाहिए। दोस्तों अगर आपका टैटू ख़राब है, मतलब किसी रीज़न के वजह से आपको टैटू आपको पसंद नहीं आ रहा है और आप चाहते हो कि मैं टैटू रिमूव ना कराऊं, अगर आप चाहते हो कि मैं अपने टैटू को रिमूव कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं समझता, तो इस सिचुएशन में लोग ओवर रैपिंग टैटू का यूज़ करते हैं। इसका समझा दूं मैं, मतलब आपको जहां से मतलब मैंने इस बॉडी पार्ट पे टैटू बनवाया लेकिन मैंने कुछ भी बनवाया तो मुझे वो पसंद नहीं आ रहा, एक साल बाद दो साल बाद मुझे पसंद नहीं आ रहा है, तो सिंपल ये मैं टैटू आर्टिस्ट के पास में जाऊंगा, दूसरी डिज़ाइन उसे बताऊंगा, तो उसी के ऊपर वो दूसरी डिज़ाइन मुझे बना के दे देगा, जिससे वो जो पहले वाला टैटू है वो पूरी तरह से उसके अंदर हाइड हो जाएगा, जिससे आप सिंपल रूप में कवर अप टैटू भी कहते हो। तो मैं सिंपल उस टैटू को कवर अप करा के दूसरा टैटू भी अपने बॉडी पार्ट पे ले लूँगा। लेकिन जिन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है टैटू से तो वो सर्जरी से रिमूव कराना ही बेस्ट समझते अपने टैटू को लेके। तो आई हैव गाइस ये देखो तीन तरह की सर्जरी जिससे आप अपने टैटू को 100% रिमूव करा के ओवर रैपिंग भी करा सकते हो। तो आई हैव गाइस आपको वीडियो की जानकारी अच्छी लगी, वीडियो की जानकारी कुछ अलग लगी हो, कुछ अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, और हाँ आपका डाउट क्लियर हो गई, आपकी टेंशन क्लियर हो गई हो तो वीडियो के नीचे कमेंट में नीचे यस जरूर लिखना। अगर आपका कोई और भी डाउट है तो कमेंट कर दीजिए, आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई आपका भाई खुद करता है। और हाँ फिर भी नहीं कर पाता हूँ तो इंस्टाग्राम की आईडी वहाँ जाके फॉलो कर लीजिए, आपके हर एक प्रॉब्लम को अच्छे तरह से समझ के उसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो जाने से पहले दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, और पहली बार अपने इस भाई के चैनल पर पहली बार अपने इस भाई को देख रहे हो तो चैनल के नीचे जो रेड कलर का बटन दिख रहा है उसे प्रेस करके सब्सक्राइब करके अपने इस भाई की फैमिली का हिस्सा जरूर बने। तो आज के लिए बस इतना ही, तो धन्यवाद दोस्तों।